बिहार में मुखिया की लगातार हो रही हत्या। बिहार में रोज रोज मारे जा रहे हैं मुखिया। 8 महीने में अब तक मारे गए 8 नए मुखिया। आखिर कब तक इसी तरह से मारे जाते रहेंगे मुखिया जी? क्या वर्चस्व की लड़ाई में मुखिया जी मारे जा रहे हैं? मुखिया ही नहीं, अब तो उनके रिश्तेदार भी मारे जा रहे हैं। ये ऐसे चुभते सवाल हैं जिनका जवाब देने से पुलिस बच रही है, सरकार के मंत्री बच रहे हैं, सत्ता पक्ष के एमएलए एमएलसी बच रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि आखिर कब तक बिहार में कानून का राज आएगा? कब लोग बेखौफ होकर इलाके में घूमेंगे? जब जनप्रतिनिधियों का ये हाल है तो आम लोगों का क्या होगा? भले ही आपको लगता होगा कि महज आपराधिक आंकड़ा है, लेकिन बेशक ये आंकड़ा डराने वाला है। लोग डर के साए में जी रहे हैं, वे दहशत में रह रहे हैं। एक तरफ बिहार के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा से कहते आ रहे हैं कि बिहार में कानून का राज है, एक भी अपराधी नहीं बचेगा, क्राइम करने वाले पकड़े जाएंगे। वे पुलिस के आला अफसरों को भी चेता रहे हैं कि क्राइम से कोई समझौता नहीं होगा, ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे, हर हाल में जीरो टॉलरेंस चाहिए। लेकिन पुलिस के अधिकारी सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं, मंथन भी करते हैं, फिर स्थिति जस की तस हो जाती है। कभी बढ़ते क्राइम पर विरोधी खेमा बयानबाजी कर देता है, तो कभी एनडीए में शामिल बीजेपी के वरीय नेता गुर्रा देते हैं, फिर काम खत्म हो जाता है। लेकिन जिस परिवार पर मौत का साया मंडराता है या जिनके यहाँ वारदात होती है, वो परिवार समझ सकता है कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। दूसरी तरफ सरकार में बैठे मंत्री भी बिना समझे इसी तरह के बयान दे देते हैं, जिनसे आम आदमी को सुकून मिलने की जगह विवाद हो जाता है। बिहार में मुखिया की लगातार हो रही हत्याओं पर मंत्री नीरज कुमार बबलू के बयान ने सरकार की ही किरकिरी करा दी है। मंत्री नीरज कुमार बबलू ने पिछले दिनों कहा कि मुखिया की हत्या भी तभी रुकेगी जब पंचायती राज कानून में संशोधन किया जाएगा। इसके लिए वे पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलेंगे। उन्होंने ये बयान सहरसा में दिया था। दरअसल सहरसा में पिछले सप्ताह ही नवनिर्वाचित मुखिया की हत्या हुई थी। सौर बाजार के खजूरी पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया रंजीत साह की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बैजनाथपुर ओपी क्षेत्र के खजूरी रेलवे ढाला के पास वारदात को अंजाम दिया गया था। इलाज के लिए सहरसा ले जाने के दौरान मुखिया रंजीत ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। बता दें कि सहरसा नीरज कुमार बबलू का गृह क्षेत्र भी है। तब सहरसा में ही मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा था कि बिहार में लगातार मुखिया की हो रही हत्या काफी दुखद है, यह हत्या तभी रुकेगी जब पंचायती राज कानून में संशोधन किया जाएगा। जब जनप्रतिनिधि नामांकन फॉर्म भरते हैं तो उसी समय फॉर्म में नॉमिनी का विकल्प दे दिया जाए। अगर चुनाव जीतने के बाद उनकी हत्या हो जाती है तो उनके परिवार के सदस्य मुखिया पद पर काबिज हो जाएंगे। हत्या इसलिए की जाती है ताकि चुनाव हो। जब ये नियम लागू हो जाएगा तो हत्या करने वाला भी हत्या नहीं करेगा, वो समझ जाएगा कि परिवार का कोई सदस्य बाद में मुखिया बन जाएगा। हालांकि पहले ही पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी कह चुके हैं कि मुखिया को आर्म्स का लाइसेंस दिया जाएगा, जो भी मुखिया चाहे वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए गंभीर है, मुखिया को सुरक्षा के लिए आर्म्स लाइसेंस भी दिया जाएगा। हालांकि मंत्री नीरज कुमार बबलू के इस बयान पर आरजेडी ने ऑब्जेक्शन किया था। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने कहा था कि मंत्री नीरज कुमार बबलू के सुझाव से हम लोग सहमत नहीं है, बिहार में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, इसलिए मुखिया की लगातार हत्या हो रही है। इसके लिए सीएम नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं, वे थके हुए और कमजोर मुख्यमंत्री हैं। ये पहली दफा नहीं जब राजद के द्वारा सीएम नीतीश कुमार को थका हुआ और कमजोर बताया गया है। तेजस्वी यादव रह रहकर, चाहे वो ट्वीट के माध्यम से हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर अपने राजनीतिक बयान के माध्यम से, नीतीश कुमार को थका हुआ सीएम बताते रहे हैं। और अब ऐसा मुद्दा मिल गया जिसके बाद एमएलसी सुनील सिंह ने भी वही बात दोहरा दी। पंचायत चुनाव के बाद यदि आंकड़ों को देखें तो जिलों की बातें तो छोड़ दीजिए, राजधानी पटना जिले में ही 2 मुखिया मारे गए। पटना में नवनिर्वाचित मुखिया प्रिय रंजन कुमार उर्फ गोरेलाल की हत्या हुई थी। इसके बाद पटना में ही मुखिया नीरज कुमार को बदमाशों ने मार डाला था। नवनिर्वाचित मुखिया प्रियरंजन को जिस समय गोली मारी गई थी, उस समय बदमाशों ने उनके साथ रहे पंडारक थाना के दरोगा राजेश कुमार को भी मारा था। दोनों की मौत हो गई थी।
प्रियरंजन पंडारक पूर्वी का मुखिया थे। इसी तरह दूसरी घटना जानीपुर थाना क्षेत्र में हुई थी। रामपुर फरीदपुर पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया नीरज कुमार जब अपने ऑफिस के पास बैठे हुए थे तभी अपराधियों ने उन्हें टपका दिया था। नीरज कुमार दूसरी बार चुने गए थे। इसी तरह से भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड में भी ऐसी ही वारदात हुई थी। कुमैठा पंचायत की मुखिया अनिता देवी को बदमाशों ने मार डाला था। वहीं मुंगेर में मुखिया परमानंद टुडू की हत्या भी काफी सुर्खियों में रही थी। परमानंद को तो पंचायत चुनाव का परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद ही मार डाला गया था। वो नक्सल प्रभावित धरहरा प्रखंड के अजीमगंज पंचायत से जीते थे। इतना ही नहीं, गोपालगंज जिले के थावे थाना क्षेत्र की धतीवना पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया सुखल मुसहर की भी अपराधियों ने हत्या कर दी थी। जमुई के अलीगंज प्रखंड अंतर्गत दरखा पंचायत के मुखिया जयप्रकाश प्रसाद को भी बदमाशों ने नहीं छोड़ा। सबसे पहले भोजपुर जिला के चरपोखरी प्रखंड के बाबूबाद पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया संजय सिंह की हत्या हुई थी। उन्हें एम्बुलेंस में सवार अपराधियों ने गोलियों से भून डाला था। और पिछले सप्ताह सहरसा में मुखिया रंजीत शाह की हत्या हुई थी, जिसके बाद लगातार तमाम तरह के सवालात सरकार और प्रशासन दोनों से किए जा रहे हैं। एक तरफ लोगों में इसे लेकर गुस्सा है, पंचायत के लोग तमाम तरह के सवाल सरकार से उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में इस पर राजनीति भी खूब हुई और आज भी इस पर राजनीति हो रही है, क्योंकि लगातार मुखिया की हत्या का दौर अब भी जारी है। और यही कारण है कि रह रहकर विपक्ष तमाम मुद्दों को उठाता है और नीतीश सरकार पर निशाना साधता है। ये उसी की वानगी है जब तेजस्वी यादव तरीके आज राजद की तमाम नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को थका हारा बताने लगे हैं। बहरहाल बिहार में पंचायत चुनाव के बाद नवनिर्वाचित मुखिया की हत्या को लेकर जनप्रतिनिधियों में काफी आक्रोश है। जनप्रतिनिधि लगातार राज्य सरकार से खुद की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। उन्होंने लाइसेंसी हथियार की भी मांग की है। वही बिहार पुलिस मुख्यालय का कहना है कि इनमें से कई मामलों का खुलासा हो चुका है, कई मामलों में अपराधी पकड़े भी गए हैं। मुखिया की हत्या को लेकर पुलिस मुख्यालय भी काफी गंभीर है। हालांकि कुछ मामलों में राजनीतिक प्रतिद्वंद्वता की भी बात सामने आई है। किसी हाल में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि क्राइम पर अंकुश कब लगेगा। कब तक इसी तरह मुखिया और जनप्रतिनिधि बिहार में मारे जाते रहेंगे और कब तक जीरो टॉलरेंस की केवल बातें ही होती रहेंगी और काम के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति ही होता रहेगा। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि बिहार सरकार इस पर क्या अमल करती है, क्योंकि ना तो बिहार में अपराध कम हो रहा है और ना ही मुखिया की हत्या का दौर थम रहा है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट।